दोस्तों बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में अपने पैर पसार चुकी प्रियंका चोपड़ा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेत्री जहां पिछले काफी दिनों से अपने प्रमोशनल फ्रंट के चलते चर्चा में बनी हुई थी, वहीं इसके साथ ही वह लगातार अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खुलासे कर रही हैं। बॉलीवुड में गैंग कल्चर को लेकर बड़े बयान देने के बाद अब एक बार फिर देसी गर्ल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबका दिमाग खराब कर दिया है। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि एक निर्देशन की हरकत से उन्हें इतना अपमानित महसूस हुआ था कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। एक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया है। पुराने दौर को याद करते हुए अभिनेत्री ने दावा किया है कि जब वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रही थी, एक बार एक निर्देशक ने उन्हें फिल्म के सेट पर असहज महसूस कराया था। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि निर्देशक की हरकत से उन्हें इतना अपमानित महसूस हुआ कि उन्होंने फिल्म से ही किनारा कर लिया था। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के अनुसार एक स्ट्राइपिंग सीन की शूटिंग के दौरान निर्देशक उनका अंडरवियर देखना चाहता था। अभिनेत्री ने एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभानी थी जो अंडर कवर हो जाता है। वह बोली, यह 2002 या 2003 की बात हो सकती है, मैं अंडर कवर हूँ, मैं लड़के को बहका रही थी। जाहिर है कि जब वे अंडर कवर होते हैं तो लड़कियां यही करती हैं, लेकिन मैं उस लड़के को बहला फुसला रही हूँ और आपको कपड़ा उतारना होगा। मैं चादर से ढकना चाहती थी लेकिन फिल्म निर्माता ने कहा कि नहीं, मुझे अंडरवियर देखना है, वरना कोई इस फिल्म को क्यों देखने आएगा। दोस्तों प्रियंका ने आगे कहा, उसने मुझसे यह नहीं कहा, उसने इसे मेरे सामने स्टाइलिस्ट से कहा। यह इतना अपमानजनक क्षण था, मैं सोच रही थी कि मुझे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाहर मैं और कुछ नहीं हूँ, मेरा टैलेंट महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जो योगदान देती हूँ वह महत्वपूर्ण नहीं है। दो दिन बाद मैंने फिल्म छोड़ दी, मैं उस निर्देशक को हर दिन नहीं देख सकती थी। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री में लोगों ने उन्हें एक कोने में धकेल दिया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। प्रियंका ने यह भी खुलासा किया था कि वह वहां की राजनीति से थक गई थी। अभिनेत्री बोली, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, इसलिए मैं यह कहने जा रही हूं क्योंकि आप मुझे सुरक्षित महसूस कराएंगे। मुझे बॉलीवुड में एक कोने में धकेला जा रहा था, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मैं खेल खेलने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं राजनीति से थक गई थी और मैंने कहा कि मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।